प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पगले, तेरे जान बचाने के लिए शीश तो क्या, मैं करंट वाला खुले वायर को भी हाथ लगा सकता हूँ। वाह, तो लेज मेरे लिए ये स्विच चालू कर देंगे? हाँ हाँ, उसमें क्या है? मतलब तू नाटक कर रही थी? अरे जेठिया, सिर्फ बहू ही नहीं, हम सब लोग शुरू से नाटक ही कर रहे हैं तेरा डर भगाने के लिए। हाँ जेठालाल, सोसाइटी में लाइट का जाना, सदानंद को बुलाना, सदानंद का फ्यूज जोड़ना, और हम सबका तुम्हें फोर्स करना कि तुम ही मेन स्विच ऑन करोगे। सब एक नाटक था और हम सारे कलाकार। और इन सब के बाद भी अगर जेठा भाई आप स्विच ऑन नहीं करते तो हमारा मास्टर प्लान था दया भाभी। और दया भाभी, आपने तो क्या कमाल की एक्टिंग की, हम तो एक बार डर गए थे कि सचमुच करंट तो नहीं आ गया। पर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू, मेरे मन से एक करंट का डर निकालने के लिए आप लोगों ने इतना बड़ा नाटक किया। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दया, थैंक यू। अब तो तू डर नहीं रहा है ना? अरे बिल्कुल नहीं बापू जी, अब तो आप लोग बोलो उतनी बार एसएच में चालू बंद कर सकता हूँ। ये देखो, ये बंद, ये चालू, बस बस बस, ये बंद। अरे बस करो भाई, अरे कुछ नहीं होता। अरे जेठालाल भाई बस करो अभी, हम सबको अब सचमुच में डर लग रहा है, सचमुच में लाइट ना चली जाए। सॉरी बबीता जी, सॉरी। ओ, आपका बल्ब मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अरे सदानंद, गुड मॉर्निंग कपूर धाम।
ओ भाई ओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम घर में ऐसे कचरा फेंकते हो? नहीं ना, तो फिर ये हमारी सोसाइटी हमारा घर नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमारी गली, ये मोहल्ला, शहर, राज्य और पूरा देश हमारा घर है। अगर हम ही अपने घर का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जाओ अभी के अभी जाओ, उठाओ कचरे को, उठाओ उसको। सॉरी। नहीं सॉरी क्या सॉरी, भाई तुम आज के नौजवान हो, देश का भविष्य हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कचरा फेंके तो तुम उसे रोको। जिस तरह से मैं तुम्हें डांट रहा हूँ तुम भी उसको डांटो। वो डस्टबिन दिख रहा है, वो शोपीस के लिए रखा है, भाई उसमें जाकर कचरा डालो। स्वच्छ समाज, सुंदर समाज। क्या चारण की गलती के लिए इतना पकाऊ भाषण दे रहे हो? ए, 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 क्या बोला? ए, रुक, रुक, मैं दुनिया हिला दूंगा। आप डालो कचरा उधर। समझते क्या अपने आपको? क्या हुआ पोपटलाल? अरे भाई आज के नौजवानों को देखो, इस तरह से सोसाइटी में कचरा फेंक रहे, तो डांट रहा था मैं उसको। बिल्कुल सही किया, ये कोई तरीका है? यहाँ किसी को कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है, कोई भी कहीं भी कचरा फेंक देता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो हम ग्राउंड फ्लोर वालों को होती है, गंदी बास भी आती है और कभी दरवाजा खुला रह जाए तो कचरा भी उड़ के अंदर आ जाता है। ये बहुत ही गलत बात है, अच्छा किया तुमने डांट के। हाथी भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ वहाँ जो कचरा फेंक देते हैं ना वो बातों से नहीं मानेंगे, उनको ठीक करने का एक जबरदस्त उपाय है मेरे पास। क्या? हाथी भाई आप अपने घर के बाहर एक नोटिस लगवा दीजिए कि जो कोई भी इस तरह से सोसाइटी में कचरा फेंकेगा उसे आप इंजेक्शन मारोगे। सही बात है, चलो चलो मेरे घर चलो। अरे मैं क्यों भाई, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मैंने थोड़ी कचरा फेंका है। अरे नहीं नहीं इंजेक्शन के लिए नहीं, नाश्ता करने के लिए बुला रहा हूँ, चल के कुछ चाय नाश्ता करते हैं मेरे घर पे। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बोली आप। हाथी भाई क्या है ना, मेरा खून खौल जाता है, मैं जब भी देखता हूँ कि कोई गलत काम हो रहा है। क्या हुआ पोपटलाल? फिर से चप्पल टूट गई। ओ पोपटलाल आओ बड़े मास्टर, आओ बड़े मास्टर। गुड मॉर्निंग हाथी भाई। गुड मॉर्निंग। अरे क्या पोपटलाल, और कितने साल हो गए वही पुरानी कोल्हापुरी चप्पल सीसी कर चला रहे हो। अरे नई चप्पल ले लो अभी। भाई बिड़े मैंने आज तक तुझे कभी बोला कि तुम अपने इस पुराने भंगार स्कूटर को बेचकर नया खरीद लो? बस टॉपिक खत्म। नहीं नहीं बिड़े मास्टर, टॉपिक तो अभी शुरू हुआ है, भंगार पर से मैं कल तुम्हें ही याद कर रहा था। अरे 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 हाथी भाई, माना कि हमारा भिड़े पुराने जमाने का है लेकिन आपने इसकी तुलना सीधा भंगार के साथ कर दी। मक? नहीं, की तो की लेकिन वो भी उसके मुंह के ऊपर। हाथी भाई ये बहुत गलत बात है। सही बात है, है? अरे भाई मेरी बात सही है, तुम लोगों के सोचने का तरीका गलत है। अरे भिड़े मास्टर मैं तुम्हें इसलिए याद कर रहा था कि तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, मैं तुमसे कहूंगा सोसाइटी में इतना भंगार पड़ा है उसे हटवाओ भाई। हाँ आती भाई। हाँ भाई सेक्रेटरी साहब बहुत आलसी हो गए आप, तो अपने आलस को कैंसिल करो, अपने काम में थोड़ी फुर्ती लाओ। हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे क्या दिखा तो मुझे, कमाल है चप्पल बिना। अरे देखो तो मालूम है मुझे आती भाई अभी। ये देखो कितना भंगार है भाई, अब तो हमारी सोसाइटी कम और कबाड़ खाना ज्यादा लगती है। भाई सेक्रेटरी महोदय आपका इसका कुछ करने का विचार है? नहीं तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक म्यूजियम बना देते हैं, गोकुलधाम सोसाइटी एंटिक भंगार म्यूजियम। मुझे कुछ बोलने का मौका दोगे? अभी भी इसको बोलना है भाई, मैं तो कहता हूँ इसको हटाओ यहाँ से। अरे क्या हटाओ पोपटलाल, तुम तो ऐसे बोलो जैसे पूरा भंगार मेरा है। अरे वो जो टेबल पड़ा है वो आयर का है, वो टायर सोड़ी का है, वो पुरानी साइकिल वो टप्पू की है, ये जो पुराना पाइप पड़ा है वो जेठा के घर का है, वो चेयर मेहता साहब की है, और वो तेल के डिब्बे जो है वो तुम्हारे? सिर्फ तेल के डिब्बे मेरे हैं। अरे भाई भिड़े सबको बोलो कि यहाँ से अपना भंगार हटाए और तुम भी हटाओ। सभी को बोला है पोपटलाल, लेकिन सभी ने यही बोला कि भंगार नहीं चाहिए, इसलिए तो यहाँ पे रखा है। बिल्कुल सही कह रहा है पोपटलाल भिड़े मास्टर। देखो बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, कभी बॉल गलती से अगर इधर आ गई, वो उसे लेने आए और जंग लगी हुई कोई चीज उनके हाथ में लग गई तो सेप्टिक हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ भिड़े मास्टर, सारा भंगार अभी के अभी बेच दो, जो पैसा आएगा वो सोसाइटी के ही काम आएगा ना। हाँ इसके 8-10 हजार तो मिल ही जाएंगे। अच्छा तो मैं अब्दुल अभी का भी डन करो। एक मिनट अब्दुल, क्या डन करो पोपटलाल, जिसका भंगार है पहले उसको पूछना तो पड़ेगा ना। अगर ये भंगार बेच दे और किसी ने बोला कि हमारी पुरानी चीजें वापस चाहिए तो क्या कर सकते फिर? तो सब मेरे पे आएगा ना बाद में। सही बात है। और हाँ भिड़े ऐसा भी हो सकता है कि एक बार तुम भंगार बेच दो उसके बाद जिसका भंगार है वो तुम्हारे पास आकर तुमसे कहे कि भाई हमारे भंगार का जितना पैसा मिला है वो तुम हमें दे दो। तो तुम्हारा इसमें कोई सामान है? नहीं नहीं मेरा इसमें कुछ नहीं,
तो फिर टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में बाकी सब समझदार है। उसे भिड़े मास्टर, तुम सबको नोटिस भेज दो कि सोसाइटी में बंगार बिक रहा है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा लगे आप लिख के भेज ही दो। क्या लिखा भाई भिड़े? एक मिनट। सबको यह सूचित किया जाता है कि सोसाइटी में जो भंगार इकट्ठा हुआ है उसे बेचने का निर्णय लिया गया है, अतः जिसको भी अपनी पुरानी चीज वापस चाहिए तो तुरंत ले ले, वरना दो दिन के बाद पूरा भंगार बेचा जाएगा। विशेष सूचना ये भी लिखी है कि अगर किसी के पहचान में कोई भंगार वाला हो तो कृपया सजेस्ट करे। ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। लाओ भिड़े भाई, इसकी फोटो कॉपी बनाकर सबके घर पहुँचा देता हूँ। अरे अब्दुल, क्यों पर्यावरण का नुकसान कर रहा है भाई? तुम हर एक के घर में पर्सनली जाओ और सबको पर्सनली ये नोटिस पढ़वाओ, समझे? वाह भिड़े भाई वाह, क्या बचत योजना है। देखना एक दिन एक गोकुलधाम सोसाइटी बहुत ऊपर जाएगी। पहले तुम ऊपर जाओ। ये तो अपना कोई भी सामान वापस नहीं चाहिए, मेरा जितना भी भंगार है ना उसको बेच दो। ठीक है। वैसे एक बात इससे अच्छी हो जाएगी, अपनी पूरी सोसाइटी एकदम चमक दमक जाएगी। हाँ वैसे पीड़ू ने ये काम बहुत बढ़िया किया, एक ही नोटिस पूरी सोसाइटी में घुमा दिया। वो इससे कितने पैसे बच जाएंगे। हाँ वो क्या है ना, बंदा कोई अच्छा काम करे ना तो उसको शाबाशी देने से वो और भी अच्छे काम करता है। हाँ सभी को मुफ्त में पेपर पढ़ना है, लेकिन जगह पर किसी को नहीं रखना है। सॉरी। हाँ बोल सॉरी, नोटिस पड़ी कि नहीं? और शिक्षक साहब मुबारक, कांग्रेचुलेशन, बताइए आप। यार आप तो इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया लेके आते हो यार, मजा आ जाता है। एक ही नोटिस पूरे सोसाइटी में घुमा दिया। ओ यार कितने पैसे बचाए तूने, शाबाश पिडू, शाबाश। थैंक यू। ओए ऑलवेज वेलकम यारा। ओ पिडू तू तो शिक्षक है, ओ वोकेशन में वैसे भी आराम होता है, और तूने ये अच्छा किया, खाली बैठने के बजाय भंगार का काम ही शुरू कर दिया। वेरी नाइस पिडू। ये भाई मैंने भंगार का काम शुरू नहीं किया है, तो सोसाइटी में काफी सारा भंगार इकट्ठा हो गया था, तो एज अ सेक्रेटरी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस भंगार का कुछ करूं, इसलिए बेच रहा हूं। ओ सॉरी 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 पिडू सॉरी, और साथ में तुझे थैंक यू भी। थैंक यू किस लिए? ओ क्या है ना, ओ हम लोगों के पास तो अपने घरों का काम करने के लिए भी वक्त नहीं होता, और तुझे देख वो सोसाइटी के भंगार को बेचने के लिए भी वक्त निकालता है। ओए सच बोलता हूं यारा, पूरे गोकुल धाम में अगर कोई योग्यता रखता है ना सेक्रेटरी बनने की, तो वो है आत्माराम तुकाराम पिडू। सूड़ी में बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि तू मेरी तारीफ कर रहा है कि खिंचाई कर रहा है। अब पिडू मैं तारीफ कर रहा हूँ यार, कमाल कर रहा है तू। अच्छा ठीक है थैंक यू, बाय बाय। ठीक है लगा रखी है भाई, और ध्यान से कान लगा के मेरी बात सुन। बोल। वो भंगार बेचने से जो पैसा आएगा ना उससे फर्स्ट क्लास कैरम का प्रोग्राम बनाते हैं। पापा मैंने भी कैरम खेलना है। थोड़ी ये जो पैसा आएगा ना वो सोसाइटी फंड में जाएगा, तो कोई पार्टी शार्टी नहीं होगी। ओ कोई गल नहीं, ओ पार्टी के पैसे मैं दे दूंगा, तू प्रोग्राम शोग्राम तो बनाना। हाँ ठीक है करते प्रोग्राम। क्या बात है, कब? 31 जून को। ओके ओए शाबाश, डन 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 डन। ओके बाय। अब्दुल फराज हम सब मिलजुल के अभी जबरदस्त पार्टी शार्टी करने वाले हैं। कब है पार्टी? 31 जून को। 31 जून को? अरे दया चाय ला जल्दी।
बापूजी आज मजाक के मूड में, लगता है पेपर पढ़ते पढ़ते बचपन के दिन याद आ गए होंगे। मारिए बापूजी, मारिए। क्या मारिए? ये पेपर के छोटे छोटे गोले मारिए। पेपर के गोले मैंने कब मारे? अरे तो कब से कौन मार रहा है? तो हम दोनों के अलावा और कौन है जो मुझे मारेगा? मैं क्या बावरा हो गया हूँ जो तुझे पेपर के गोले बनाकर मारूंगा? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए बाबूजी, ये एक, ये दो, एक, ये देखिए तीन, तीन तीन आपने मारे। मैंने नहीं मारे। आपने नहीं मारे तो किसने मारे? मैंने मारा। टप्पू, क्या टप्पू, ये क्या मस्ती है? पापा ऐसी मस्ती मैंने आपसे ही सीखी है। मुझसे? हाँ, कल दादाजी बता रहे थे कि आप जब मेरी उम्र के थे तब गांव में घर आए मेहमान जब आंगन में पेड़ के नीचे सोते थे तो आप उन्हें चुपकर बेर मारते थे और वो लोग बूझ समझकर भाग जाते थे। वो तभी मैं बहुत छोटा था टप्पू। अभी टप्पू छोटा है। गुड मॉर्निंग घड़ा फैमिली के, कल आज और कल को गुड मॉर्निंग। आओ आओ अब्दुल, आओ। आइए अब्दुल भाई, सही वक्त पर आयो, नाश्ता करने बैठ जाइए। नहीं नहीं टप्पू, नाश्ता करके आया हूँ मैं। हाँ जड़े भाई, भिड़े भाई ने नोटिस दिया। नोटिस? टप्पू अभी क्या शरारत की तूने? अब कौन सी शरारत की नोटिस है, मुझे क्या पता। देखा बाबूजी? अरे क्या देखा, पहले पढ़ तो सही उसमें क्या लिखा है। महोदय, सबको ये सूचित किया जाता है कि सोसाइटी में जो भंगार इकट्ठा हुआ है उसे बेचने का निर्णय लिया गया है, अतः जिसको भी अपनी पुरानी चीज वापस चाहिए तो तुरंत ले ले, वरना दो दिन के बाद पूरा भंगार बेचा जाएगा। इसे सूचना, अगर किसी के पहचान में कोई भंगार वाला हो तो कृपया। ये क्या लिखा? सजेस्ट करे। मतलब? मतलब कि पहचान कराए। नहीं भाई, हमारी पहचान में नहीं है कोई। अरे वो पुराने जमाने का है, उसकी पहचान में होगा कोई बंगर वाला। और उसको बोल दे दे भाई, दे दे बंगर, दे दे। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नहीं मतलब कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हाँ नहीं ना, भेज दो बंगर, भेज दो, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ उल्टा सोसाइटी स्वच्छ हो जाएगी। हाँ अच्छा मैं चलूँ? ओके। मम्मी नाश्ता दो। और दया मुझे चाय दे भाई जल्दी। क्या कर रही है पता नहीं, कितनी बार बोला कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। अरे टप्पू भाई जाना किचन में जाके देखने भाई, बोलना जरा चाय देने के लिए। यस कर्नल। लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट दाएं मुड़ लेफ्ट। टप्पू बहुत मस्ती खोर हो गया है बापूजी। हाँ लेकिन तेरे जितना नहीं। सब दादाजी पोते के परमानेंट वकील होते हैं, हमेशा पोते की वकालत करते हैं। पापा पापा, मम्मी किचन में नहीं है। किचन में नहीं है तो कहाँ गए? अरे अरे दया भाई, शौक के सदमे से मेरे परम मित्र जेठा अभी उभरे भी नहीं है कि नए नए मुसीबतों ने नए नए शौक देना प्रारंभ कर दिया है मेरे परम मित्र को। पता नहीं क्या रिश्ता है मुसीबत का जेठालाल के साथ कि मुसीबत जेठालाल का पता ढूंढ लेती है।
जिंदगी में भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं ना कि कुछ भी हो जाए हम गलती सरकार के सर पे मर देते हैं। यानी कि जैसे क्रिकेट मैच में भारत हार गया तो गलती सरकार की, बरसात कम हुई तो गलती सरकार की, बाढ़ आ गई तो भी गलती सरकार की। ठीक वैसे ही कोई कुछ भी करे मुसीबत का ठीक रहा तो जेठालाल के सर पे ही फूटता है। अब शरारत की टपुन है लेकिन चाय से होली दया भाभी ने खेल ली है जेठालाल के साथ। दिन की शुरुआत शानदार हो चुकी है। ये जो मुसीबत नाम की ट्रेन है इसमें जेठालाल का रिजर्वेशन हमेशा रहता ही है। अब दिन की शुरुआत हो गई है टप्पू की शरारत और जेठालाल की परेशानी से, लेकिन ये दोनों ही चीजें आपके घरों में लाएगी हंसी और ठहाके। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।